नमस्कार दोस्तों, इंसान के दिमाग में एक समय में कई थॉट्स आते हैं, अर्थात विचार आते हैं। और यदि आप उस समय में सभी चीज़ों पर या सभी थॉट्स पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो आप न केवल अपना समय बर्बाद करेंगे, बल्कि आप उन चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे जिनमें आप अच्छे हैं। इस पर एक बहुत लोकप्रिय रूसी कहावत है, यदि आप एक समय में दो खरगोशों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों, यह एक आम बात है कि लोगों के दिमाग में एक टाइम में सैकड़ों विचार आते हैं, जिनमें बहुत से विचार बेकार एवं समय बर्बाद करने वाले होते हैं। जैसे मेरे बारे में मेरे बॉस क्या सोचते होंगे, क्या होगा यदि मैं गलत साबित होता हूँ और अपना काम खो देता हूँ, क्या होगा यदि कभी बिजनेस डाउन हो जाएगा या बंद हो जाएगा, क्या वह मुझे प्यार करती है या करता है, मेरा जीवन क्यों कष्टों से भरा हुआ है, मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, और इस तरह से अनेक व्यर्थ के विचार आते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में थिंक स्ट्रेट की बहुमूल्य समरी की बहुमूल्य बातें यहाँ जानेंगे कि कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल करें और उनमें जो हमारे काम के विचार है उन पर फोकस करें। क्योंकि दोस्तों, विचार ही है जो हमें बनाते हैं, एवं अच्छी क्वालिटी के विचार हमारे जीवन की क्वालिटी सुधारते हैं, अर्थात हमारे लाइफ को अच्छा बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसे हम सीधी सोच रखकर अपने विचारों को कंट्रोल करें। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। आपके जो भी एक्शन होते हैं वे आपकी थॉट्स की ही देन है। तो यदि आपको अपनी एक्शन चेंज करना है तो सबसे पहले अपनी थॉट्स को चेंज करना होगा। दोस्तों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि हम अपनी थॉट्स या सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब इंसान को एक साथ कई थॉट्स आते हैं तो उसके पास एक फ्री विल्स की चॉइस होती है, अर्थात किसी एक थॉट पर फोकस करना। इंसान चाहे तो कोई थॉट के बदले में दूसरा थॉट से चुन सकता है। इसका आशय यह है कि हम अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग समझते हैं कि हम अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे माइंड में कई थॉट्स आते हैं, लेकिन फ्री विल के कारण आप चुन सकते हैं कि किस थॉट पर आपको फोकस करना है। अर्थात इंसान प्रैक्टिस करता रहे तो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या सोचना चाहिए एवं क्या नहीं। अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आपको लाइफ के हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्प करता है, चाहे वह कैरियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई और मैटर हो। दोस्तों, आपका ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। किसी भी टेक्नोलॉजी या डिवाइस से अधिक कॉम्प्लेक्स एवं अधिक चमत्कारी है। किंतु एक प्रॉब्लम है कि हम इंसान एक अमेजिंग ब्रेन के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि इसे ठीक से एवं पूरी तरह से यूज कैसे करना है। हम लोग बहुत इम्पेक्टिकल भी है। हमें लगता है कि हम ग्रेट थिंकर्स है एवं लॉजिकल तरीके से डिसीजन लेते हैं, लेकिन रिसर्च इसे गलत प्रूफ करती है। पिछली कई शताब्दियों में साइंटिस्ट को 100 से अधिक कॉग्निटिव वायर्स या थिंकिंग एरर के बारे में पता चला है। वो बताते हैं कि कैसे हम बिना फैक्ट्स के बारे में सोचे, बिना अपने इमोशन एवं गट फीलिंग्स के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। इस बुक के लेखक डेरियस फोरोक्स ने कॉग्निटिव वायर्स पर कई बुक पढ़ी है। उनमें ऐसी कहानियाँ या घटनाओं के बारे में लिखा गया है कि लोग कैसे सोचने में गलतियाँ करते हैं। डेरियस हमारे सोचने के तरीके बदलने एवं सही करने में हमारी मदद करना चाहते हैं, एवं इसीलिए उन्होंने यह बुक लिखी है। दोस्तों, डेरियस आप जैसे ही थे, उन्हें अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि आज वो खुश है तो कल वो बेवजह उदास हो जाते थे। यहाँ तक कि उनसे डेली लाइफ की सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाती थी। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस, रीडिंग, जर्नलिंग एवं सोचने की मदद से अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करना सीख लिया था। अब डेरियस अपने माइंड के गुलाम नहीं है,
वो अपने थॉट्स को खुद पर हावी नहीं होने देते बल्कि उन्हें कंट्रोल करना आता है। वो स्ट्रेस अर्थात सीधा सोच सकते हैं। स्ट्रेस सोचने का अर्थ यह नहीं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या मैथ्स के प्रॉब्लम में सोल्व करने में कितने अच्छे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने थॉट्स को सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाना। ऐसा करके आप एक खुशहाल, हेल्दी एवं मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। आपको काम के एवं फिजूल के थॉट्स के बीच फर्क पता होना चाहिए। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले शांत रहकर फैक्ट को स्टडी करें एवं चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें, तब जाकर किसी नतीजे पर पहुंचे। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। हमारा माइंड एक मसल जैसा है जिसे हेल्दी एवं फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। नई चीज़ें सीखना एक अच्छा तरीका है अपने दिमाग को फिट रखने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित होती है, जैसा कि जब उन्होंने बैचलर या मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई की थी। स्कूल में हम नए नए आइडियाज एवं स्किल सीखते हैं जो हमारे सोचने एवं लाइफ को जीने का तरीका बता देता है, लेकिन एक बार हम एक माइंडसेट के आदि हो गए तो फिर उसे बदलना मुश्किल होता है। हम एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं और अपने माइंड की एक्सरसाइज करने के बजाय रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। लोग अक्सर यह कहते हैं कि मुझे अब आराम से बैठकर थोड़ा नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करना है, लेकिन हमें किससे रेस्ट चाहिए? क्या ये ऑफिस के वही रिपीटेटेड टास्क है या वही जाने पहचाने से थॉट्स? जब तक वाकई में जरूरत न हो हम शायद ही अपना दिमाग लड़ाना पसंद करते हैं। जैसे कि जब हमारे एग्जाम होते हैं तभी हम पढ़ते हैं, वरना तो हम आराम से बैठकर सोचते रहते हैं कि जाने दो इसका फायदा ही क्या है। तो पॉइंट यह है कि आपके माइंड को एक्सरसाइज चाहिए। स्ट्रेट थिंकिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। डेरियस ने एक डायग्राम क्रिएट किया यह दिखाने के लिए कि अनट्रेंड माइंड कैसा दिखता है। जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वो किसी पेपर में लिखे डार्क एवं गंदी लकीरों जैसे नजर आने लगते हैं। अर्थात इसमें हैप्पी, सैड, पॉजिटिव, नेगेटिव एवं कंफ्यूजन थॉट्स एक साथ मिल जाते हैं जो दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि आपको इस अफरा तफरी से क्लियरिटी की ओर बढ़ना चाहिए। फार्म क्योर्स टू क्लियरिटी। उन चीज़ों पर या उन विचारों पर फोकस करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं है उनके बारे में चिंता करना तनावपूर्ण और समय की बर्बादी है। हम हमेशा अपने अतीत के बारे में चिंता करते हैं जो चला गया है और हम वहाँ कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। क्या हमें इस पर अपना समय बर्बाद करना चाहिए? हम केवल अतीत में की गई गलतियों से सीख सकते हैं जो हमारे वर्तमान एवं भविष्य को अच्छे में बदल सकती है, यदि हम उस सीख का उपयोग कर सके। मन में ऐसा कोई विचार न रखे जो किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति न करता हो। वे केवल आपको भ्रमित करते हैं और आपके जीवन को तनावपूर्ण बनाते हैं। हमेशा उद्देश्यपूर्ण सोच रखे, बड़े विचार रखे जो आपके ज्ञान कौशल को सुधारने में आपकी मदद कर सकते हैं और आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अपने जीवन से बुरे विचारों को खत्म करने का सरल उपाय यह है कि जब भी आपके दिमाग में कुछ आए आप अपना ध्यान भंग करने की कोशिश करें और बस एक ही बात पूछें, क्या यह आपके सोचने के लायक है? आप जो भी करते हैं उसे लिखना शुरू करें। जर्नलिंग कई सफल लोगों द्वारा अनुसरण किया जाने वाला एक अच्छा अभ्यास है। यह आपकी उपलब्धियों, प्रगति और गलतियों को देखने के लिए एक रेडीमेड गाइड है जो आपको प्रेरित कर सकता है और आपको बताता है कि आप अपने भविष्य के प्रयासों में उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के बारे में लेखक कहते हैं, धन की चिंता न करें। यदि आपके पास यह अभी नहीं है तो आप इसे कमा सकते हैं। यदि आप इन सरल नियमों का पालन करते हैं तो आप कुशलतापूर्वक धन का प्रबंधन कर सकते हैं।
कमाई से ज्यादा खर्च न करें, उन चीजों को न खरीदें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अपने पैसे को उन अच्छी संपत्तियों में निवेश करें जिनकी समय के साथ सराहना होती है। एक बजट योजना का पालन करें जो आपके खर्च को नियंत्रित करती है। एक आपातकालीन निधि रखें जो कम से कम 6 महीने तक चल सके। यदि आप इन सरल नियमों का पालन करते हैं तो आप अन्य लोगों से बेहतर कर सकते हैं और आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आप जो भी करें उसे अपनी पूरी कोशिश से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऐसा कुछ भी न दे जो औसत दर्जे का हो और वादे के मुताबिक न हो। अपने सभी विवरणों की जांच करें। दूसरों के उपयोग के लिए सबमिट करने से पहले सभी पहलुओं का निरीक्षण करें। आपको इस मूल सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यदि आपको उत्पाद पसंद नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि दूसरे इसका उपयोग करेंगे और आपकी सराहना करेंगे। दोस्तों, यदि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो आप कभी ऊपर नहीं जा सकते। नियोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि कार्रवाई द्वारा समर्थित नहीं है तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छी योजना के साथ किया गया कार्य आपको वह सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप चाहते हैं। कार्यवाही के बिना एक अच्छी योजना दिवा स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, हम हमेशा दूसरों को प्रभावित करना पसंद करते हैं। हम किसी और की जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे लक्ष्य है जिन्हें हम केवल इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि हम प्रशंसा पाना पसंद करते हैं। हम बड़ा घर या कार खरीदना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब है या हमें वाकई ऐसा करने की जरूरत है? यह हमारा जीवन है और हमें इसे जीना है। इसे खुशी से जियो। ऐसी चीजें करो जो आपको प्रफुल्लित करे। हमारे पास एक और केवल एक जीवन है। हमेशा अपने कैरियर, कौशल, महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने और सुंदर विचारों को विकसित करने के बारे में अच्छे विचार रखें जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपको हमेशा शांत और शांत रहना है। उन सभी विचारों से बचें जो आपको परेशान कर सकते हैं। अपने अच्छे विचारों का उपयोग अपने चारों ओर एक सुंदर दुनिया को आकार देने के लिए करें जहां आपको रहना है और समृद्ध होना है। हमें हमेशा इस दुनिया को अपने लिए एवं दूसरों के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करना चाहिए। हम सब यह कर सकते हैं यदि हमारा अपने मन और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण हो। उठो और उन विचारों के साथ आगे बढ़ो जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आकार दे सकते हैं।